बॉर्डर मूवी में देखी होगी, एक दीवार जो बनाते हैं ना, रियल दीवार ये है वो। यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज आपको दिखाते हैं, वो है ये हिंदुस्तानी बंकर। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, अपनी आज़ादी को हम हर किज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पाकिस्तान का टैंक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तपती हुई धूप में जैसलमेर से 108 किलोमीटर का सफ़र करते हुए हम अभी पहुंचे हैं इंडिया पाकिस्तान लोंगेवाला बॉर्डर पे। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे यहां पे बोर्ड लगा हुआ है लोंगेवाला का, और उससे पीछे एक बोर्ड और लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है लोंगेवाला 0 किलोमीटर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरा बॉर्डर दिखाने वाले हैं। आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी की जो कहानी है वो लोंगेवाला बॉर्डर पे 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी के ऊपर आधारित है। तो इससे पहले मैंने बॉर्डर फिल्म की शूटिंग लोकेशन का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं लोंगेवाला बॉर्डर ज़रूर दिखाऊंगा। तो आज हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, अभी दोपहर के लगभग 1:30 बजे हैं। जैसलमेर से हम निकले थे लगभग 8 बजे। सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जैसलमेर 108 किलोमीटर और रामगढ़ यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे BSF का चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है BSF इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, भारत का आखिरी कैफे। भारत के आखिरी कैफे में चलते हैं और बहुत तेज़ी से प्यास लग रही है तो एक पानी की बोतल ले लेते हैं। अरे पानी की बोतल दे दीजिए। 2 लीटर में है क्या? 1 लीटर है। 1 लीटर दो में नहीं होगा? दो। चलिए एक वाले ही दे दीजिए सर। अच्छा ये कैंटीन अपनी भारतीय आर्मी की है ना? वेलकम टू लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो अभी हम युद्ध स्थल पे चलते हैं जहाँ पे युद्ध हुआ था। यहाँ पे देखो एक शिलालेख लगा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। आप लोंगेवाला के पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। यह युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण नौछावर कर दिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए यहाँ पे ये एक टैंक रखा हुआ है जो पाकिस्तानी टैंक है। ये पाकिस्तानी आर्मी का टैंक है जिसको युद्ध के बाद इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। और यहाँ पे कुछ मतलब हथियार रखे हुए हैं जिसको युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और एक ये भी है कुछ ऐसे, एक वहाँ पे है और एक टैंक वहाँ पे भी रखा हुआ है। ये बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बनाए रखना। ये भी कुछ टैंक पड़े हुए हैं, उनको भी दिखाते हैं चल के, वहाँ पे है। तो आगे चलते हैं, वो टैंक भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी हुई है, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी।
अपनी आज़ादी को हम हर किज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने जो बॉर्डर मूवी में देखी होगी, एक दीवार जो बनाते हैं ना, रियल दीवार ये है वो, जो बॉर्डर फिल्म में मतलब बनाई गई थी। यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज आपको दिखाते हैं, वो है ये हिंदुस्तानी बंकर। तो इस दीवार में होके चलते हैं, इसी तरह की कुछ दीवार बनाई गई थी बॉर्डर मूवी में। और यहाँ पे एक देखो, ये लिखा हुआ है सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा। आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहाँ से सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुंचाया। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी, पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगजीत सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इस बंकर के अंदर चलते हैं। ये उसी टाइम का बंकर है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो इसी बंकर में खड़े होके और यहाँ से जगजीत सिंह जी ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। ऊपर से देखो इतना ये बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। और जिस पे लिखा हुआ है बंकर से बहादुर सैनिक दुश्मन पर भारी तादाद में मशीनों गन और राइफल का फायर करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं। एक बंकर में दो या तीन जवान मोर्चा लेते हैं। बंकर एक जवान को दुश्मन के राइफल के फायर और गोलाबारी से सुरक्षा देता है। ये वही रास्ता है जहाँ से मतलब हमारे भारतीय सैनिकों ने युद्ध लड़ा था। एक बंकर और है आगे। अभी मैं एक हिंदुस्तानी बंकर में खड़ा हुआ हूँ जहाँ से कभी हमारे भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। देखो ये बंकर है, थोड़ा सा बाहर निकल के दिखाता हूँ। इसको आप देख सकते हैं, ये बंकर उसी टाइम का है जिस टाइम भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और ये वाली जो देख रहे हैं ना आप, ये रास्ता बॉर्डर फिल्म में इसी प्रकार की एक रास्ता बनाई गई थी, लेकिन जो रियल में है वो ये है। देखो ये बनी हुई है ना, और पीछे इस साइड में भी यहाँ पे भी ऐसी बनी हुई है। एक बंकर पीछे भी बना हुआ था। ये भी पाकिस्तान का टैंक है। देखो अभी आपको दिखाता हूँ जो जर्जर हालत में बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है ना, ये देखो पूरी तरह से जर्जर हालत में। इधर है वे टू म्यूजियम, फ्री एंट्री है, कोई भी टिकट नहीं है इसका। और एक वहाँ पे लाइव शो चलता है, उसका टिकट है। ये टिकट है उधर जाने के। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और हम पूरा लोंगेवाला बॉर्डर घूम चुके हैं। दोस्तों लोंगेवाला का जो युद्ध है, सारे लोग उससे परिचित होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो उस युद्ध के बारे में ना जानता हो। मेरे पीछे यहाँ पे 638 नंबर पिलर है जिस पे इधर इंडिया लिखा हुआ है, दूसरी साइड पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो इस युद्ध का जो एंड है मतलब अंत है वो यहीं पे हुआ था, और यहीं पे पाकिस्तान के जो सैनिक मारे गए थे उनको यहीं पे दफनाया गया था। पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए थे और हमारे इंडिया के 2 सैनिक शहीद हुए थे। तो अब हम जाएंगे यहाँ से तनोट माता मंदिर, जो यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पे है। और तनोट माता का जो मंदिर है बॉर्डर फिल्म में, उसको भी दिखाया गया है जहाँ पे जब पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई थी तो उस मंदिर पे भी बम फेंके गए थे जो उस टाइम पे मतलब फटे नहीं थे।
तो वहां पे चलेंगे, वो बम आज भी वहां पे रखे हुए हैं। ये रेगिस्तान के गांव है ना, क्या नाम था इसका, जगने वाला, सादे वाला। तो दोस्तों अभी हम तनोट माता मंदिर पहुंच चुके हैं। पीछे मेरे यहाँ पे ये इसका प्रवेश द्वार है। तो तनोट माता का मंदिर जो है, इसकी देखरेख जो है वो सीमा सुरक्षा बल करता है, यानी हमारी इंडियन आर्मी करती है। तो अभी मंदिर के अंदर प्रवेश लेते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर। ये इसका प्रवेश द्वार है। वैसे तो सामने वहाँ पे एक स्तंभ बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है तनोट विजय स्तंभ। तो अभी इससे एंट्री नहीं है, इस वाले गेट से एंट्री हो रही है। चलते हैं सीमा सुरक्षा बल। ये यहाँ पे मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है जिसको आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है श्री तनोट राय तनोट जैसलमेर, प्रबंधक संचालन सीमा सुरक्षा बल। मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है प्राचीन कुआं। अंदर देखें जल वगैरह है कुछ इसमें, ये देखो पानी आनी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मंदिर यहाँ पे है तो मंदिर के अंदर चलते हैं एक बार। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है तनोट राय। और मंदिर की देखरेख जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीमा सुरक्षा बल करता है, तो यहाँ पे हमारे जवान बैठे हुए हैं। यहाँ पे विशिष्ट अतिथिगण, ऊपर राजनाथ सिंह की फोटो लगी हुई है, नीचे बाबा रामदेव, और इधर भी राजनाथ सिंह है और ऊपर वहाँ पे बाबा रामदेव। और यहाँ पे वो बम रखे हुए हैं जो मंदिर के ऊपर गिराए गए थे, जो फिर मतलब डिस्पोज नहीं, यानी फटे नहीं थे, वो यहाँ पे रखे हुए। आज हम आपको बॉर्डर फिल्म में सुनील सेठी द्वारा निभाए गए जो असली किरदार है ना भैरव सिंह का, उनका फोटो दिखाते हैं। ये हैं वो भैरव सिंह, मेजर पूरन सिंह लौंगे वाला जैसलमेर। अभी हम मंदिर के मतलब बैक में चलते हैं इधर से। वहाँ पे भी एक मंदिर बना हुआ है जिसको आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे यार बहुत सारे रूमाल बंधे हुए हैं, जबकि वहां पे लिखा भी है कृपया रूमाल न बांधे, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे रूमाल हैं। वर्तमान में जो तनोट माता मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, और पहले ये ऐसे था। ये प्राचीन फोटो है, तनोट माता मंदिर प्राचीन नीचे लिखा हुआ है, ये पहले का फोटो है और ये अभी का फोटो है।
अभी आप देख सकते हैं मंदिर को कुछ इसी डिजाइन में बना हुआ है। दोस्तों अभी शाम के 5:30 बजे हैं और मैं अभी तनोट माता मंदिर में ही हूँ। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ से अभी जाना है जैसलमेर, जो यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लौंगेवाला बॉर्डर और तनोट माता का मंदिर दोनों जगह देख चुके हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।